अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 बेटा हम कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज 1.5। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने बताना है कि जो दिए गए मैट्रिसेस हैं क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। डेफिनेशन की थी हमने बेटा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, कोई एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें और उसका इनवर्स लेकर देखें क्या वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। कोई सा एक मैट्रिक्स ले लें, मैं फर्स्ट पार्ट में पहले वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को नाम दिया ए का, हम इसका इनवर्स मालूम करते हैं और चेक करते हैं कि ये दूसरे वाला मैट्रिक्स आता है या नहीं। सो ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ए का मक्का मालूम करते हैं। तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। 21, 20, सो दैट इज इक्वल टू 1। ए का डिटरमिनेंट आपके पास आता है 1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो ए का एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, दोनों प्लस के थे माइनस के हो। फॉर्मूला है ए इनवर्स 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट 1 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है। 1 को डिवाइड करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा, ए इनवर्स 7 माइनस 5 माइनस 4 3। तो चेक करें जो हमारे पास ए इनवर्स आया है वो दूसरे वाला मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी आंसर आएगा। हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो आप कोई सा मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसमें दूसरे वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। लेट ए मैट्रिक्स ए नाम दे दें इसको। फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट मालूम करें, मॉड की फॉर्म में लिखा, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में 3, 4 दैट इज इक्वल टू -1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल की रैंक से बदल देंगे। फॉर्मूला है इनवर्स का, इसमें वैल्यूज पुट करें, 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट -1 है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला -1 डिवाइड हो रहा है, तमाम रकम के ऊपर तमाम एंट्रीज पर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो के 1, 2, 2, 3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो पहले वाला मैट्रिक्स आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। Hence, the given matrices are multiplicative inverse of each other. स्टूडेंट्स, ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।